बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 34वां खत, इंसानी फितरत क्या है, इत्तेफाकात किसे कहते हैं। सलीम, तुम जिस अंदाज से एतराजात को इस्तफसारात के रंग में पेश करते हो, ये तुम्हारी सलामती कल्ब की दलील है। और हकीकत यह है कि कल्ब सलीम बड़ी ग्रां बहा मता है, तुम इस पर जिस कदर भी नाज करो कम है। इस इनकलाब अजीम के दौर में कि जिसे कुरान ने क़यामत से ताबीर किया है और जो इंसानियत के क़याम का दौर है, कोई और मता इस कदर ग्राम बहा नहीं होगी। इल्ला मन अतल्ला बिकल्बिन सलीम, 26/79। यही वो कल्ब ज़हनियत व नफ्सियाती कैफियत है जिसकी तरफ से जन्नत की आसूदगियाँ खुद खुद खींची चली आती हैं। व उज़लिफ़ा तिल जन्नतो लिलमुत्तकीन, 26/90। यही तुम्हारी खसूसियत है जिसकी वजह से मैं हज़ार काम छोड़कर भी तुम्हारे इस्तफसारात की तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ। मुझे उससे खुशी होती है कि तुम अब रफ्त रफ्ता निज़ाम रबूबियत के असूल व मबानी समझते जा रहे हो। इसी से पूरे का पूरा इस्लामी निज़ाम समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पहले एतराज़ या इस्तफसार का सुगरा या किबरा कायम किया जाए तो मसला की नौइयत यूं बनती है कि खुद गर्जी इंसानी फितरत में है। जो कुछ इंसानी फितरत के मुताबिक है वो ऐन इस्लाम है। जो कुछ ऐन इस्लाम है उसका तहफ्फुज़ नहायत ज़रूरी है। लिहाजा कोई ऐसा निज़ाम जिसमें इनफरादी मुफाद की जगह कुल्ली बहबूद को मुकदम रखा जाए, इस्लामी नहीं हो सकता। इसलिए नतीजा मुस्तखरजा यह हुआ कि निज़ाम रबूबियत तकायदा इस्लाम नहीं हो सकता। इस इस्तफसार में तुमने एक बहुत बड़ी बात छेड़ दी है जिसका खतो कताबत के जरिए समझ में आना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो इसलिए कि यह मसला बुनियादी और असासी है, और दूसरी तरफ इसलिए कि हमारे हर अहम मसला की तरह यह भी तहदातह गलत फहमियों में लिपटा हुआ है। उसका सही मकाम तो सिलसिला मारफल कुरान की एक अलग जिल्द है, लेकिन चूंकि तुम्हारी बेताबी तमन्ना हरीफ इंतजार नहीं हुआ करती, इसलिए मजबूरन उसे इसी मुकाम पर मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसे तवज्जो से समझना बात मुश्किल है और गुंजाइश बहुत कम, गोई मुश्किल वगर ना गोई मुश्किल। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे एतराज का महत्फर का जज्बा गैर शौरी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ ये अमूर बतौर मुसलमात माने जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया, लिहाजा इंसान की फितरत ऐन खुदा की फितरत है। इस्लाम दीन फितरत है, यानी इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक। लिहाजा कोई काम जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो वो इस्लाम के खिलाफ है। इसी बिना पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा जोर इस बात के साबित करने में सर्फ किया जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है। ये अल्फाज बड़े खुशाइंद हैं, और चूंकि इन्हें बतौर मुसलमात तस्लीम किया जाता है, इसलिए इन पर किसी गौर फिक्र की जरूरत ही नहीं समझी जाती। लेकिन सलीम, तुम मेरे मसले को जानते हो। मैं हमेशा यह ताकीद किया करता हूँ कि जो अल्फाज इस्तेमाल करो, सबसे पहले उनका मफहूम मुतय्यन कर लो। यूं ही अंधी तकलीद में अल्फाज इस्तेमाल न करते जाओ। इंसानी फितरत के वो अल्फाज सुबह से शाम तक सैकड़ों मरतबा दोहराए जाते हैं, लेकिन तुमने कभी सलीम यह भी सोचा कि इन अल्फाज का मतलब क्या है? इंसानी फितरत कहते किसे हैं? जरा सोचकर बताओ तो सही कि इंसानी फितरत से मफहूम क्या है। तुम जिस कदर सोचते जाओगे, खुद महसूस करते जाओगे कि इन अल्फाज का कोई वाज़ह मफहूम तुम्हारे जहन में नहीं है, और तुम पर ही क्या मौकूफ है, दूसरे लोग भी जो इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। जरा उनसे पूछ कर देखो कि इंसानी फितरत क्या होती है, तुम खुद देख लोगे कि वो भी तुम्हारी तरह कोरे होंगे। सलीम, हमें इसी चीज ने तबाह कर रखा है। जब जिंदगी के तसव्वुरात अमल से बेगाना हो जाएं, जब अल्फाज महज इस्तलाहात और आमाल महज रसूम बनकर रह जाएं, जब कलमा नजरिया हयात को इस्तनताजी मेजान रेगमेटिक टेस्ट में ना लाया जाए, तो अल्फाज का इस्तेमाल रोजमर्रा की आदत बन जाता है। उनका कोई मुतय्यन मफहूम जहन में नहीं होता। इसी कैफियत को कुरान असमान समायतो मुहा अंतम अबाओकुम से तबीर करता है, यानी महज अल्फाज जो कौम में मतवारस चले आते हैं, और इसी को मैं
शायरी कहा करता हूं। इंसानी फितरत क्या है? यह सवाल ऐसा अहम और मुश्किल है कि इंसानी फिक्र अभी तक इसका जवाब मुतय्यन नहीं कर पाया। मशरक में तो खैर इन अमूर के मुतल्लिक गौर खोज और तहकीको तदकीक से काम ही नहीं लिया जाता। मशरक ने सदियों से सोचना ही छोड़ दिया है। तकलीद और बेअमली की अफियून का यही खासा हुआ करता है। मगरब में जहां आयमाए फिक्र खबर ने इंसानी नफ्सियात ह्यूमन फिजियोलॉजी के मुतल्लिक इस कदर तहकीक व काविश से काम लिया है, वो नफ्स इंसानी के अमियालो अवातफ और मदरकात व एहसासात की बाबत इस कदर रिसर्च की है, वो भी इस बात में किसी हतमी नतीजा तक नहीं पहुंच सके कि इंसान की फितरत क्या है। उनके यहां एक मकतब फिक्र का ख्याल है कि अगर इंसान को खारजी तासरात से मुतासर न होने दिया जाए तो उसके बाद वो जिन खसूसियात का हामिल होगा इन्हें गैर मुलव्वस इंसानी फितरत कहा जाएगा। यह नजरिया महज तसव्वुर ही तसव्वुर में प्रवेश पा सकता है, अमली दुनिया में इसका वजूद नहीं मिल सकता। यानी किसी तमदनी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं मिल सकता जिसके मुतल्लिक कहा जा सके कि वो खारजी असरात से मुतासर नहीं हुआ। खारजी असरात जो इंसान पर असरअंदाज होते हैं दो तरह के होते हैं, वो असरात जो इंसानी बच्चा वरासतन अपने साथ लाता है और वो असरात जो इस पर तालीम तरबियत माहौल से मरतब होते हैं। यह हो सकता है कि हम किसी बच्चे को किसी ऐसे सहरा या जंगल में तनहा छोड़ दें जहां किसी दूसरे इंसान के ख्यालात इस पर असरअंदाज न हो और उसके बाद देखें कि वो किन खसूसियात का हामिल बनता है, ताकि इन खसूसियात को इंसानी फितरत के अज़ा कहा जा सके। अवल तो यह भी नामुमकिन है, लेकिन बफर्ज महाल उसे मुमकिन भी तसव्वुर कर लिया जाए तो हम इन असरात को कहां ले जाएंगे जिन्हें वो बच्चा वरासतन अपने साथ लाता है। उसकी फितरत को इन असरात से मुनज़्ज़ा व मुअर्रा कर देना महाल है। ये असरात तो उसके खून के ज़र्रात और कल्ब व दिमाग के रेशा रेशा में हलूल किए हुए हैं, बल्कि अगर उसके साथ आयमाए इल्मुल अब्दान के इस नज़रिया को भी पेश नज़र रखा जाए कि इंसान के आदात व इतवार उसके गुदूद और उनके गुदूदों से रिसने वाली रतूबात से भी मुतशक्कल होते हैं और ये गुदूद उसकी जिस्मानी साख्त का लायनफक हिस्सा होते हैं जो इसे विरासत में मिलती है, तो इंसानी बच्चा को इन अवामल के असरात से गैर मुतासर रखना यकसर नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा किसी ऐसे बच्चा का अमलन तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता जिसे इन अवामल से अलग थलग रखा जा सके जिनसे उसकी आदात खसायल और अमियाल अवातफ तरतीब पाते हैं। और जब यही नामुमकिनात से है तो फिर गैर मुलव्वस इंसानी फितरत का तयन भी नामुमकिन है। बाकी रहा यह कि अगर किसी बच्चे को पैदा होने के साथ ही ऐसी जगह रखा जाए जहां वो दूसरे इंसानों के ख्यालात से मुतासिर ना हो तो वो हकीकी फितरत का आईनादार होगा, तो उसके लिए हमारे सामने कई अमली मसाले मौजूद हैं। तुमने कई मरतबा अखबारात में पढ़ा होगा कि फलां जंगल में एक बच्चा मिला जिसे बचपन से भेड़िए उठाकर ले गए थे, वो वहीं जंगल में बढ़ा। इस बच्चे को उठाकर लाए तो देखा कि वो बिल्कुल दरिंदों जैसा वहशी हैवान था। इसमें इन बातों की भी तमीज न थी कि जो वहशी कबायल के बच्चों को होती है वो जानवरों की तरह खाता पीता और रहता सहता है। अब अगर इसी का नाम सही इंसानी फितरत है तो इसमें और हैवानी फितरत में क्या फर्क है? दूसरे मकतब तहकीक का ख्याल है कि इंसानी फितरत को मुतय्यन करने का तरीक यह है कि शुरू से आज तक मुख्तलिफ अतवार व अमसार के तमाम इंसानों की तारीख का गैर जानबदाराना मुतालिया किया जाए और इस तरह जो इंसानी खसूसियात हर जमाना और हर मकाम पर नौए इंसानी में मुश्तरक पाई जाएं इन्हें अलग कर लिया जाए। इनके मजमूए का नाम फितरत इंसानी होगा। लेकिन गौर कीजिए कि यह तरीक़ेकार जहां इस कदर नामुमकिन अमल है वहां किस कदर नाकस भी है। तारीख क्या है? इंसानी दिलो दिमाग के मामूलात एक्टिविटीज का रिकॉर्ड। यह हम पहले देख चुके हैं कि इंसानी मैलानात और रुझानात किन किन अवामल से तरतीब पाते हैं और किन किन अनासर से असर पजीर होते हैं। लिहाजा ये कहना कि मुख्तलिफ अदवार के इंसानों के मामूलात के इकदार मुश्तरक कॉमन फैक्टर्स का मजबूआ इंसान की फितरत असलिया कहलाएगा,
खुद फरेबी से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। चुनांचे इस तरीके अमल से आज तक कोई हतमी नतीजा मरतब ही नहीं हो सका। एक तीसरा मकतब फिक्र उलमाए इल्मुल इंसान एंथ्रोपोलॉजी पर मुश्तमल है, जिनका ख्याल है कि जब इंसान अपने इब्तदाई जमाना में सादा जिंदगी बसर करता था और तहजीब व तमद्दन की खजरियाती जिंदगी से हनूज नाआशना था, इस वक्त वो अपनी असली फितरत पर था। उससे हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि अफ्रीका के हबशियों, अमेरिका के अहमर हिंदियों या ऑस्ट्रेलिया के जंगली बाशिंदों की जिंदगी फितरत इंसानी की मजहर है। लेकिन अवल तो खुद इन आयमाए तहकीक के इक्तशाफात के मुताबिक मुख्तलिफ ममालक के कदीम जंगली इंसानों के आदात व खसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दूसरे ये कि उन में जो शय मुश्तरक रह जाती है वो उनकी जहालत और तवहम परस्ती है। लिहाजा इस नजरिया की रूह से जहालत और तवहम परस्ती के मजमूए का नाम इंसानी फितरत करार पा सकेगा। बाज उलमाए नफ्सियात का ख्याल है कि इंसानी बच्चा अपने अयाम तफूलियत में फितरत इंसानी से बहुत करीब होता है, लेकिन सलीम जरा किसी बच्चे की इब्तदाई जिंदगी का मुतालिया करो और फिर देखो कि उसमें कौन कौन सी खसूसियात उभर कर सामने आती हैं। यही ना कि उसके हाथ में जो कुछ आता है इसे तोड़ डालता है, दूसरे की चीज को झपट कर छीन लेने की कोशिश करता है, वो नहीं मिलती तो चीखता चिल्लाता जिद करता है, दूसरे बच्चों को पीटता है, अगर किसी दूसरे बच्चे से प्यार किया जाए तो इस पर हसद के मारे जल उठता है, कभी आग में हाथ डाल देता है, कभी मुंह में मिर्च डाल लेता है, हाथ से चाकू छीनिया तो चीखने लग जाता है। लिहाजा इस तरीके फिक्र के मुताबिक फितरत इंसानी के लयनफक अज्जा यही कुछ करार पा सकते हैं। अब सलीम इन चीजों को लो जो आम तौर पर तमाम इंसानों में बतौर कदरे मुश्तरक पाई जाती हैं, यानी तहफ्फुज़े ख्वाहिश, प्रेजर्वेशन ऑफ सेल्फ और बकाए नस्ल का जज्बा। सवाल यह है कि क्या इन चीजों को इंसानी फितरत करार दिया जा सकता है? इंसान क्या है? हैवान की इर्तका याफ्ता शक्ल, जिस तरह नबातात की जड़ें जमीन में और शाखें फजा की पिनहाइयों में होती हैं, इसी तरह इंसान की तबई असल हैवानी है और इंसानी असल इस सतह से बुलंद। उसकी तबई जिंदगी का इन्हिसार इन ही अवामल पर है जिन पर दूसरे हैवानों की जिंदगी का दारोमदार है। सांस लेना, खाना पीना, सोना, सर्दी गर्मी के शदीद असरात से महफूज रहना, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़े ख्वाहिश और बकाए नस्ल का जज्बा भी हैवानी सतह की चीज है। यह जज्बा हर हैवान में पाया जाता है, लिहाजा यह जज्बा भी इंसानी फितरत ना हुआ बल्कि हैवानी फितरत का मजर ठहरा। जिस तरह हैवानात में ये चीजें जबिली तौर पर मौजूद होती हैं, इसी तरह ये चीजें इंसान में भी मौजूद होती हैं। इसलिए ये चीजें इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर, बल्कि हैवानी जबिलत, एनिमल इंस्टिंक्ट करार पा सकती है। तुमने गौर किया सलीम कि जो बात बुझार इस कदर आसान दिखाई देती थी, जरा से गौर फिक्र के बाद वो किस कदर मुश्किल नजर आने लगी। यानी इंसानी फितरत अव्वल तो मुतय्यन ही नहीं हो सकती, और अगर वो मुतय्यन होती है तो उसके अज्जाए तरकीबी क्या करार पाते हैं? जानवरों की सी जिंदगी जो इन बच्चों में पाई गई, जिनकी परवरिश जंगलों में हुई थी, या जहालत और तवाहम परस्ती, कदीम जमाना के वही इंसानों के खसाइस, या शिकस्त रेख, जिदो हसद, गलबा व इस्तेला, ना आकबत अंदेशी, अपने नफा व नुकसान से भी ना आगही, बच्चे की इब्तदाई जिंदगी की खसूसियात। सलीम गौर करो कि अगर यही इंसानी फितरत है तो क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसे बायस इज्जो शर्फ करार दिया जा सके? क्या यह इस काबिल है कि इसके मुतल्लिक कहा जाए कि यह ऐने खुदा की फितरत, फितरत अल्लाह है जिस पर उसने इंसान को पैदा किया, और इस्लाम इसी फितरत के तकाजे पूरे करने का दीन है? सोचो सलीम कि यह सोचने की बात है। और अगर यह इंसानी फितरत नहीं तो बताओ वो कौन सी फितरत है जो खुद अल्लाह की फितरत है और जिस पर उसने इंसान को पैदा किया है और जिसके मुताबिक दीन इस्लाम है? और फिर यह भी सोचो कि ये इस फितरत इंसानिया का पता और निशान कहां से लिया जाए और उसे मुतय्यन किया जाए। अब सलीम एक कदम आगे बढ़ो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम उकता तो नहीं गए, बात तुमने छेड़ दी है बहुत मुश्किल, और जो नताइज तुम्हारे सामने आ रहे हैं वो यक्सर गैर मानूस और गैर मुतवक्को।
इसलिए इस बहस से तबीयत का उकता जाना मुस्तबाद नहीं। लेकिन अब यह कंबल तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसे तो आखिर तक सुनना और सुनकर समझना ही होगा। वह अगला कदम यह है कि खुद कुरान करीम में इंसान की बाज़ खसूसियात का जिक्र आया है। देखना यह है कि इन खसूसियात के मजमूए को इंसानी फितरत करार दिया जा सकता है, और अगर वही इंसानी फितरत के अज्जा है तो क्या इस किस्म की फितरत को फितरत अल्लाह का मजहर और इस्लाम को इस फितरत का दीन समझा जा सकता है। इन खसूसियात में सबसे पहले वह खसूसियत किबरा है जो किस्से आदम के ज़िम्न में मजकूर है और जिसकी तरफ मलाइका ये कहकर इशारा करते हैं कि अतज अलो फीहा में यफ्सदो फीहा व यफ्सकुद दिमा, क्या तू जमीन की जानशीनी उसके सुपुर्द करेगा जो इसमें फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ताला ने मलाइका के इस इतराज की तरदीद नहीं की, बल्कि सिर्फ इतना कहा, इन्नी आलमो माला तालमून, हम जानते हैं जो तुम नहीं जानते। लिहाजा इंसान की सबसे पहली खसूसियत फसाद और खून रेजी है, और उसकी तारीख भी इस पर शाहिद है कि यह खसूसियत फिलवाक्या बिला कैदो जमानो मकां अमूमी तौर पर इंसानों में कदर मुश्तरक कहला सकती है। फिर कुरान करीम में इंसान के मुतलक है कि यह बड़ा झगड़ालू है, वकानल इंसानो अक्सरा शयन जदला 18:54, खसीमन मुबीन 36:78, जुलूमन जुहूला 33:72, हलुआन है यानी ऐसा जिसकी नीयत ही नहीं भरती, नाशुकरा है खैर की जगह शर को आवाजें दे देकर बुलाता है, जल्दबाज है वगैरह। तुमने गौर किया सलीम कि ये कौन सी खसूसियात हैं? क्या ये वही खसूसियात नहीं जो बच्चे की इब्तदाई जिंदगी या दुनिया की वहशी अकवाम में पाई जाती हैं, यानी वो खसूसियात जिनका मुजाहिरा इस वक्त होता है जब इंसान को अला हाल ही छोड़ दिया जाए। अला हाल ही की तशरीह जरा आगे चलकर आती है। अगर ये खसूसियात इंसान की फितरत असलिया की मुजाहिर हैं, तो इन्हें फितरत अल्लाह का मजहर किस तरह करार दिया जा सकता है? ये खसूसियात कम अज कम इस खुदा की फितरत तो किसी तरह भी करार नहीं दी जा सकती जिसका तसव्वुर कुरान पेश करता है, और ना ही इस्लाम को इस फितरत का दीन करार दिया जा सकता है। तुम जी में कहते तो होगे कि मैंने बात क्या पूछी और सिलसिलाए कलाम किस तरफ चल निकला, लेकिन इसके बगैर बात समझ में ही नहीं आ सकती। इस तमहीद के बाद सलीम इस आया जलीला को सामने लाओ जिसे इस मुसलमा के तौर पर बतौर सनद पेश किया जाता है। इंसान को अल्लाह ने अपनी फितरत पर पैदा किया, इसलिए इंसानी फितरत फितरत अल्लाह की मजहर है और इस्लाम दीन फितरत है। वो आयत ये है, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। और उसका तर्जमा किया जाता है, अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने इंसान को पैदा किया। अल्लाह की खलकत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये दीने कय्यम है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं जानते, और उससे यह नतीजा अक्स किया जाता है कि इंसान की फितरत फितरत अल्लाह पर मुतफर्रा है, यानी जो अल्लाह की फितरत है वही इंसान की फितरत है, और इस्लाम इस फितरत के मुताबिक दीन है। जरा सोचो सलीम कि अगर इस आयत का यही मफहूम लिया जाए तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है। हम देख चुके हैं कि इंसानी कोशिश फितरत इंसानिया के तयन में अक्सर नाकाम है। बाकी रहा कुरान करीम, सो इसमें इंसान की जिन खसूसियात का अमूमी तौर पर जिक्र है वो कतन इस काबिल नहीं कि इन्हें फितरत अल्लाह करार दिया जाए, इस फितरत पर फख्र किया जा सके। ये याद रखो कि जिक्र मोमिनीन की सफात का नहीं बल्कि इंसान की फितरत का हो रहा है। हकीकत यह है कि लफ्ज़ फितरत
का ये मफहूम ही गैर कुरानी है। कुरान ने इस लफ्ज को इन मानों में इस्तेमाल ही नहीं किया जिन मानी में यह आज मुस्तमिल है। कुरान इस अरबी मुबीन में नाजिल हुआ जो अहद नजूल कुरान में अरबों की जबान थी। इस जमाना में अरबों में जो बिलअमूम बदवी जिंदगी बसर करते थे, फलसफा, मा बाद तबैयात, तसव्वुफ, इथिक्स की इस्तलाहात राइज ही न थी। बद्दू तो एक तरफ, इस जमाने के शहरी जिंदगी बसर करने वाले अरब भी इन इस्तलाहात से नाआशना थे। ये इस्तलाहात बहुत बाद की पैदावार हैं, या कम अज कम अरबी जबान में इनका अमल दखल बहुत बाद में हुआ है। यानी इस जमाना में जब अरबों की सादा जिंदगी की जगह अजमी तसव्वुरात हयात ने ले ली और इस तरह उनकी जबान अरबी मुबीन के सीधे सादे अल्फाज अजमी नजरियात के इस्तलाही मफहूम के लिए इस्तेमाल होने लगे। याद रखो सलीम, जब कोई कौम सीधी सादी जिंदगी बसर कर रही हो तो उसकी जबान के अल्फाज ठोस अशिया, कंक्रीट थिंग्स का मफहूम अदा करेंगे, तजरीदी गुफ्तगू, एब्स्ट्रैक्ट टॉक के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। क्योंकि सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाली कौम तजरीदी गुफ्तगू से नाआशना होती है। हमारे यहां इस वक्त कुरान का जो मफहूम मरवज है वह इन इस्लाहात की रूह से मुतय्यन किया गया था। जब इस्लाम पर गैर इस्लामी तसव्वुरात छा गए थे, जाहिर है कि इस मफहूम से मुराद यह है कि किसी खास दौर में कुरान को इस तरह समझा गया था, लेकिन हमने इसी मफहूम को कुरान समझ लिया। और इसी तरह एक खास दौर का मफहूम अजली, अब्दी और गैर मुतबद्दल तसव्वुर कर लिया गया। जब तक हम इस बुनियादी गलती से नहीं निकलते, कुरान हमारी समझ में नहीं आ सकता। हमारे यहां के तमाम उलझाव इसी गलत फहमी के पैदा करता है, इसी से वो तमाम इख्तलाफात पैदा हुए हैं जो हमारे लिए इस दर्जा परेशानी या फिक्र नजर का बायस बन रहे हैं। यानी हमने इंसानी ताबीरात को खुदा का अजली कुरान समझ रखा है, और चूंकि इंसानी ताबीरात में इख्तलाफ नागुजीर है, इसलिए हमारे यहां खुद कुरान में इख्तलाफ महसूस हो रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हम कुरान के इस्तलाही मफहूम से कतअ नजर कर लें जो खास खास अदवार का पैदा करता है। कुरान के अल्फाज के मानी इनके मादों की रूह से मुतय्यन करें और इन मानी की रोशनी में अपने जमाना के इल्मी सतह के मुताबिक कुरान का मफहूम मुतय्यन करें। जब तक हम कुरानी अल्फाज के माखज तक नहीं पहुंचेंगे और बाद के इस्तलाही मफहूम ही को अजली और अब्दी समझते रहेंगे, कुरानी मुतालब हमारी निगाहों से ओझल रहेंगे। हमारे यहां लफ्ज फितरत का तर्जमा नेचर किया जाता है। लफ्ज नेचर का मफहूम बहुत वसी है। इल्मे तबीयात फिजिक्स में नेचर आलमे आफाक को कहते हैं और उससे मुतल्लिका कवानीन को कवानीन फितरत, लॉ ऑफ नेचर, मा बाद तबीयात, मेटाफिजिक्स हैं। इससे मुराद वो कुवत होती है जो कायनात को चला रही है। फलसफा में इसका मफहूम किसी शय की वो खसूसियत है जिससे वो शय दीगर अशिया से मुमैयज होती है। इल्मुन नफ्स की रूह से नेचर जबिली इस्तेदाद या कल्बी रजहानात व मैलानात को कहते हैं। उनके अलावा ये लफ्ज नेचर अंग्रेजी जुबान में मुतअद्दिद दीगर मानी में इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी से पहले खुद हमारे यहां के मुतकल्लमीन और हुकमा के यहां लफ्ज फितरत इन्हीं इस्तलाही मानी में इस्तेमाल होता था। लफ्ज फितरत के यही मानी इस वक्त हमारे यहां राइज हैं, और चूंकि ये मानी एक अरसा से मुरव्वज चले आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे कल्बो दिमाग में इस तरह पैवस्त हो चुके हैं कि इधर लफ्ज फितरत हमारे कानों में पड़ा और इधर बिला कदुकाविश इसका एक खास मफहूम हमारे सामने आ गया। उस शख्स की फितरत ही ऐसी है, वो फितरतन इस किस्म का वाक्य हुआ है, इंसानी फितरत का खासा है। ये फिक्रें हमारी रोजमर्रा की जबान में दाखिल है और इससे लफ्ज फितरत का एक खास मफहूम हमारे जहन में आ जाता है। यही अल्फाज बोलते बोलते जब हमारे सामने कुरानी आयत में फितरत अल्लाह के अल्फाज आते हैं तो उससे वही मफहूम हमारे सामने आ जाता है जिससे हमारा जहन इस दर्जा मानूस हो चुका है, और इस मफहूम के मुताबिक हम कुरानी आयत का मफहूम मुतय्यन कर लेते हैं। और फिर अल्लाह की फितरत जिस पर इंसानी फितरत मुतफर्रा है को बतौर एक हकीकत साबता पेश कर देते हैं और इस्लाम को दीन फितरत करार दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस लफ्ज फितरत का वो मफहूम जो इस वक्त हमारे जहनों में पैवस्त है, क्या कुरान में भी यह लफ्ज इसी मफहूम के लिए इस्तेमाल हुआ है? जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है,
لفظ فطرت کا موجودہ مفہوم بعض کے زمانے کا ہے، جب یونان کے فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اور لفظ نیچر کا ترجمہ فطرت کیا گیا. مادہ کی روح سے لفظ فطرت کے بنیادی معنی کسی چیز کو پھاڑنا، شگاف دینا ہیں. لہذا اس سے مراد ہے کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کسی نئی چیز کو پیدا کرنا. چنانچہ کسی جگہ پہلی مرتبہ کنواں کھودنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لہذا اس کے معنی ہیں تخلیق، ایجاد، ابداع. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے فاطر السماوات والارض، بس پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کرنے والا. لہذا فطرت اللہ کے معنی نیچر آف گاڈ نہیں بلکہ خدا کا قانون تخلیق ہے. اسی قانون تخلیق کے مطابق اس نے عالم آفاق کو پیدا کیا. الذی فطر السماوات والارض، اور اسی کے مطابق انسان کو قل الذی فطرکم اول مرہ. لہذا فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہا کے معنی ہوئے اللہ کا وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی قانون تخلیق جس کے مطابق خارجی کائنات وجود میں آئی ہے. ظاہر ہے کہ اس قانون کی روح سے کائنات کی ہر شے میں کچھ امکانی صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز رکھ دی گئی ہیں جن کی نمود و تکمیل اس شے کی زندگی کی غایت ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں مضمر ہیں. ان صلاحیتوں کو نشو و نما انسانی زندگی کا مقصود ہے. عالم آفاق اور عالم انسان میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر کی صورت میں نشو و نما کا قانون ان اشیاء پر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ بلا اختیار و ارادہ اس قانون کی پابندی کرتی ہیں. انہیں اس امر کا اختیار نہیں کہ چاہیں تو اس قانون کی پابندی کریں اور چاہیں تو اس سے سرکشی اختیار کر لیں. ان کے برعکس انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس پر کوئی قانون مسلط کر کے نہیں رکھ دیا گیا. یعنی کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہو اور یہ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو. حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جبلی پابندیاں جو اس میں حوانی زندگی سے منتقل ہو کر آتی ہیں، یہ ان کے اتباع پر بھی مجبور نہیں. بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے گا لیکن کبھی گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی خشکی کی طرف دوڑے گا، اور بطخ کا بچہ پانی کی طرف. لیکن انسان کے بچے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سنکھیا کی ڈلی بھی اسی بے تکلفی سے منہ میں ڈال لیتا ہے جس طرح مصری کا ٹکڑا. وہ کبھی پانی میں جا گرتا ہے، کبھی آگ کے شعلے کو پکڑ لیتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دے. اس لیے انسان خارجی رہنمائی کا محتاج ہے. یہ خارجی رہنمائی وحی کے ذریعہ ملتی ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 2:38. انسانوں کی طرف من جانب اللہ ہدایت آتی رہے گی. جو شخص یا قوم بھی اس رہنمائی کا اتباع کرے گی، اسے نہ خوف ہوگا نہ حزن. اس ہدایت خداوندی کے آخری اور مکمل مجموعے کا نام ہے قرآن. یہیں سے سلیم ایک اور اہم بات بھی نکلتی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم کہیں اس موضوع کی یبوست سے گھبرا نہ جاؤ. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس مرتبہ تم نے بات بہت مشکل چھیڑ دی ہے، لیکن اگر تم نے ذرا ضبط اور تحمل سے ذہن پر زور دے کر سمجھ لیا تو اس کے بعد تمہاری راہ کے بہت سارے کانٹے صاف ہو جائیں گے. وہ نئی بات کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو. تم دیکھ چکے ہو کہ یہ تصور کہ انسان کی فطرت خدا کی فطرت ہے قرآنی تصور نہیں، اسی سے ملتا جلتا بلکہ اس پر متفرع یہ تصور بھی ہمارے ہاں عام طور پر مسلمہ مانا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز خود فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. یہ تصور بھی بوجو غلط ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت اپنی اصلی حالت پر ہو اور خارجی اثرات سے ملوث نہ ہو چکی ہو تو وہ نیکی اور بدی میں از خود تمیز کر لیتی ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک یہی متعین نہیں ہو سکا کہ انسانی فطرت ہے کیا. پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایسی فطرت کا ملنا ناممکنات سے ہے جو خارجی اثرات و
وراثت و ماحول سے غیر متاثر ہو. اس میں اس وقت سلیم حضرات انبیاء اکرام کا ذکر نہیں کر رہا، عام انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں. نبوت کی حقیقت کا سمجھنا ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے، لہذا بات یوں ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کا علم غیر ملوث انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے، لیکن غیر ملوث انسانی فطرت کہیں نہیں مل سکتی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دینے سے فائدہ کیا ہوا، جس فطرت کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا. یاد رکھو سلیم، نیکی اور بدی کا علم فطرت انسانی کے اندر نہیں، اس کا علم وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے اور وحی قرآن کے اندر ہے. اگر نیکی اور بدی کا علم انسان کی فطرت میں ہوتا تو انسان کو اس کی فطرت کے اتباع کا حکم دیا جاتا، لیکن حکم وحی کے اتباع کا ہے، انسانی فطرت کے اتباع کا نہیں. وحی کے اتباع سے نفس انسانی کی نشو و ارتقاء ہوتی ہے اور اس کی مضمر صلاحیتوں میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے اندر تعمیر و تخریب دونوں کی صلاحیت موجود ہے. اسی تعمیر و تخریب کو قرآن نے فجور و تقوی سے تعبیر کیا ہے، انٹیگریشن اینڈ ڈس انٹیگریشن. و نفس و ما سواہا 91/7. نفس انسانی اور اسے ہموار رکھنے والی قوتیں اس پر شاہد ہیں کہ فا الحمہا فجورہا و تقواہا، اس میں اس کے فجور و تقوی کے امکانات ودیت کر کے رکھ دیے گئے ہیں. قد افلحا من زکاہا، جس نے اس کی بالیدگی کا سامان بہم پہنچایا اس کی کھیتی بارآور ہو گئی. وقد خواب من دساہا، جس نے اس کی صلاحیتوں کو دبا دیا وہ تباہ ہو گیا. لہذا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت کے اندر نہیں، صرف نیکی اور بدی یعنی نفس انسانی کی تعمیر و تخریب کے امکانات اس کے اندر موجود ہیں. ان ممکنات کو صحیح طور پر بروئے کار لانے کا طریق کیا ہے، اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے سلیم کے خدا کا تخلیقی قانون فطرت اللہ کائنات اور انسان دونوں میں کار فرما ہے. اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی کسی شے کو اختیار نہیں کہ وہ قانون خداوندی سے انحراف کر سکے، اسے تقدیر کی پابندی کہتے ہیں. انسان کے اندر اس کی ذات کی نشو و نما کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی ہے اور اسے تباہ و برباد کر دینے کی استعداد بھی. انسان کی نشو و نما اس نظام کے اندر ہوتی ہے جو ہدایت خداوندی کی روح سے متشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہر نظام اس کی تباہی کا موجب ہوتا ہے. انسان کو اختیار حاصل ہے، چاہے بالیدگی اور ارتقاء کی راہ اختیار کرے اور چاہے بربادی اور تباہی کے عمیق کاروں کی طرف چلا جائے. جب انسان نظام خداوندی کے بجائے دوسری راہیں اختیار کر لیتا ہے تو اسے اتباع ہوا کہتے ہیں، یعنی نیچے کی طرف لے جانے والی قوتوں کا اتباع، اپنے اپنے جذبات کا اتباع، انفرادی مصالح کا اتباع. اس روش زندگی سے وہ خصوصیات ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی شکست و ریخت، فتنہ و فساد، ناہمواریاں اور نااستواریاں، جنگ و جدل، ظلم و جہول، کفران و بلوت، خود غرضی اور مفاد پرستی وغیرہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فطرت انسانی کے مظاہر نہیں بلکہ اس روش زندگی کے نتائج ہیں جسے انسان وحی کی روشنی کو چھوڑ کر تنہا جذبات کی روح سے اختیار کرتا ہے. یعنی اگر انسان کو وحی کی روشنی کے بغیر اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے اسی قسم کی خصوصیات کا ظہور ہوگا. ان تصریحات کی روشنی میں سلیم سورہ روم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، جو فطرت اللہ انسانی فطرت اور دین فطرت کے تصورات کی بنیاد قرار دی جاتی ہے. سلسلہ کلام یوں ہے: اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. 30/29. جو لوگ ہر شے کو اس کے اصلی مقام پر نہیں رکھتے، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم میں وحی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کی صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں. یوں بھٹکنے والوں کو کون صحیح راستہ پر لا سکتا ہے،
उनका कोई यारो मददगार नहीं हो सकता। उनके बरक्स सही राह हयात पर चलने की आरजू रखने वालों से कहा गया है कि فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون। तीस बटा तीस। तुम हर दूसरे जाब्ता हयात से मुंह मोड़कर इस जाब्ता अद्दीन को अपना नस्बुल ऐन बनाओ जो अल्लाह की तखलीक कानून का तकाजा है, वह कानून जिसकी रूह से इंसान की खलकत अमल में आई है। यह तखलीकी कानून अपने नताइज के एतबार से गैर मुतबद्दल है। यही वो ज़ाब्ता हयात है जो खुद भी मुहकम है और वजह क़याम इंसानियत भी। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं। यह ज़ाब्ता हयात अद्दीन क्या है? اتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ। सफर जिंदगी में हर कदम उसकी तरफ उठे, उसके कवानीन की निगहदाश्त की जाए, निजाम सलात से अपनी वहदत को कायम रखा जाए और दीन में तफरका अंगेजी पैदा करके मुशरिकाना मसलक ना इख्तियार कर लिया जाए। तफरका शिर्क है जिसमें कानून खुदावंदी को मेयार हक व बातल तस्लीम करने की बजाय हर ग्रोह यही समझता है कि वो बरसरे हक है और यूं इस फरेब नफ्स में मगन रहता है। गौर किया तुमने सलीम, सही राह यह है कि सफरे जिंदगी में इंसान का हर कदम ज़ाता खुदावंदी के मुताबिक उठे, न यह कि तनहा अकल या जज्बात के इत्तबा में नाकाय बेजमाम की तरह जिधर मुंह उठा चल दिए। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपने मुआशरती निजाम को जाब्ता खुदाबंदी पर मुतशक्ल कर लें। यही बुलंदियों की राह है। वालो शे नाला रफा ना हो बिहा। हमारा कानून मशैयत यह है कि कुरान के मुताबिक चलने से बुलंदियां हासिल होती हैं। وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ। लेकिन अपने जज्बात का इत्तबा करने वाला पस्तियों की तरफ जाना चाहता है, उसका क्या इलाज? लेकिन ये बुलंदियां निजामे रुबूबियत के बगैर नामुमकिन है। देखो कुरान किस कदर वाज़े अल्फाज में इस हकीकत की सराहत करता है। वो कहता है इन्ना सायकुम लशत्ता। इंसानी कोशिशों के रुख मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन देखो कौन सा रुख किस मंजिल की तरफ ले जाता है। फा अम्मा मन आता वत्ता का, जो देता है और खुदा के कानून रुबूबियत की निगहदाश्त करता है। वसद्दा का बिल हुस्ना, और उस तरह मुआशरा में सही तवाजुन और तनासुब कायम रखने के दावे को सच कर दिखाता है। फसा नयस्सिरहु लिल्युसरा, तो उसके लिए कुशादगी की राहें आसान हो जाती हैं। व अम्मा मम बाखिला वस्तगना, लेकिन जो माल को रोक रखता है और अपने आप को खुद मक्तफी समझकर इज्तमाई निजाम से मुस्तगनी होकर बैठ जाता है।
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس طرح معاشرہ کے توازن کی عملی تکذیب کرتا ہے. فَسَا نُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَى تو اس کے لیے اسرت کی راہیں کھل جاتی ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى اور جب معاشرہ کا توازن بگڑنے سے تباہی آتی ہے تو اس کا انفرادی مال و متاع اسے اس تباہی سے بچا نہیں سکتا. ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اس تمہید کے بعد سلیم اب آؤ تم اپنے اعتراض کی طرف. تم کہتے ہو جب خودغرضی انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو پھر کوئی ایسا اقدام جو اس خودغرضی کی جگہ کلی مفاد کی طرف لے جائے خلاف فطرت ہوگا. جہاں تک فطرت کا سوال ہے امید ہے کہ گزشتہ تصریحات سے بات واضح ہو گئی ہوگی. اب لو اس تقاضا کو. میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ انسان حیوان ہی کی ایک ارتقا پذیر شکل ہے، اس لیے انسان اور حیوان میں چند اقدار مشترک ہیں. اگر ان اقدار مشترکہ کو کم از کم درجے تک لے جائیں تو نظر آئے گا کہ تحفظ خواہش اور افزائش نسل دو نمایاں خصوصیات ہیں جو حیوانات اور انسان دونوں میں موجود ہیں. جہاں تک تحفظ خواہش کا تعلق ہے، میں اپنے کسی سابقہ خط میں بتا چکا ہوں کہ حیوان اپنی وقتی ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن انسان وقتی ضروریات کے بعد بھی بہت کچھ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے. اسی طرح افزائش نسل کے جذبہ کو لیجئے، حیوانات میں جنسی اختلاط محض افزائش نسل کی خاطر ہوتا ہے. اس کے لیے خدا کے تخلیقی قانون نے ان پر ایسی پابندی عائد کر رکھی ہے جس سے سرکشی ممکن نہیں. حیوانات کے جوڑے ہر وقت ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، لیکن جنسی قوتوں کی موجودگی کے باوصف انہیں جنسی اختلاط کا خیال ہر وقت دامنگیر نہیں رہتا. یہ جذبہ اسی وقت روبے عمل آتا ہے جب افزائش نسل کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے برعکس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جس وقت جی چاہے جنسی اختلاط میں مشغول ہو سکتا ہے. تم نے دیکھا سلیم کے تحفظ خواہش اور افزائش نسل کے ان دونوں بنیادی تقاضوں میں حیوان اور انسان میں کس قدر فرق ہے. انسان اس باب میں کسی اندرونی قاعدے کی روح سے مجبور نہیں، بلکہ اسے اختیار حاصل ہے کہ ان تقاضوں کو جس طرح جی چاہے پورا کرے. لیکن انسان تمدنی زندگی سوشل لائف بسر کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا عمل دوسرے افراد کو متاثر کرتا ہے. اس لیے انسانی اختیار و ارادہ کو بلا حدود و قیود نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے اختیار کو صحیح سواحل چینلز میں مقید رکھنے کے لیے وحی کی روح سے تجدید کی گئی ہے. اگر افزائش نسل کی قوتوں پر تجدید عائد نہ کی جائے تو انسانی معاشرہ میں جنسی فوضویت سیکشوئل انارکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر تحفظ خواہش کے جذبہ کو بے زمام چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشی فساد ناہمواریاں نمودار ہو جاتی ہیں. تحفظ خواہش کے جذبہ کو بے لگام چھوڑ دینے کا نام خودغرضی ہے. ہدایت خداوندی کی روح سے عائد کردہ تجدیدات افزائش نسل اور تحفظ خواہش کے تقاضوں کی تسکین کا انتظام بطریق احسن کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ کو ان ناہمواریوں سے بچا لیتی ہیں جو ان جذبات کو بلا تجدید چھوڑ دینے سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں. اب سلیم تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ خود غرضی فطرت انسانی کا تقاضا نہیں، بلکہ تحفظ خواہش کے حیوانی اور انسانی تقاضا کو ذاتی جذبات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش بے مہار کا نام ہے. ذاتی جذبات انفرادی تحفظ خواہش کی اندھی کوششوں میں کلی مفاد انسانیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور وحی کی روح سے متعین کردہ نظام تحفظ خواہش کا ایسا انتظام کرتا ہے جس میں تمام نوع انسان کی پرورش اور ہر فرد کی امکانی صلاحیتوں کا نشو نما یعنی تعمیر ذات بطری کے احسن ہو جائے. اس کا نام نظام ربوبیت ہے. پھر سن رکھو سلیم،
कि मकसूद हयात सिर्फ तबई जिंदगी की परवरिश नहीं, अगर मकसूद यही होता तो इंसान को हैवानी सतह से बुलंद किया ही ना जाता। यह हकीकत के इंसान हैवानी सतह से बुलंद है इस अमर की वाज़े दलील है कि मकसूद हयात तबई जिंदगी की परवरिश से आगे है। इसी का नाम इंसानी सलाहियतों यानी इसकी जात या पर्सनैलिटी का नशो नुमा पाना है। उसका इंतजाम निजाम रबूबियत की रूह से होता है जिसका जाब्ता कुरान है। अब सलीम, तुम्हारा दूसरा एतराज सामने आता है। तुम कहते हो कि हम देखते हैं कि एक शख्स कुछ ज्यादा तगोताज भी नहीं करता, लेकिन यूं ही कुछ इत्तफाक ऐसा हो जाता है कि उसे बेशुमार दौलत मिल जाती है। क्योंकि इस किस्म के इत्तफाक चांस की कोई मंतकी तौजीह समझ में नहीं आती, इसलिए इससे इंसान इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि ऐसा खुदा की तरफ से होता है। उसके बाद यह समझ लिया जाता है कि जब खुदा का मंशा यह है कि इस शख्स को इस कदर फरावा दौलत दे दी जाए तो इस पर तहदीद मंशाए खुदावंदी के खिलाफ होगी। तुम्हारा यह एतराज भी सलीम बहुत सी बुनियादी गलतफहमियों पर मबनी है। तुमने इत्तेफाक चांस का जिक्र करके तकदीर का मसला छेड़ दिया, और तुम जानते हो कि यह मसला ऐसा नहीं जो खतों में तय हो जाए। भाई हमा, जहां तक तुम्हारे जेर नजर एतराज का ताल्लुक है, उसके मुतल्लिक मुख्तसरन इस खत में लिखना मुनासिब है। मैं ऊपर लिख चुका हूं कि हमारी कायनात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आलम आफाक यानी इंसानों की दुनिया के सिवा बाकी सारी कायनात, और दूसरा हिस्सा इंसानी दुनिया। सलीम, अगर तुम इस बुनियादी फर्क को पेश नजर रखो तो मसला तकदीर की बहुत सी पेचीदगियां खुद खुद हल हो जाएंगी। आलम आफाक में खुदा का कानून अज खुद कार फरमा है और किसी को उससे सरताबी के मजाल नहीं। कुल्लो लाहू कानतून। लेकिन इंसान को साहिब इरादा पैदा किया गया है। यह अपनी ममलकत में आप साहिब इख्तियार है, लेकिन जिस तरह आलम आफाक की नशवो रुबूबियत एक कानून के ताबे होती है, इसी तरह आलम इंसानी के नमूदो इर्तका भी एक निजाम के मातहत कार फरमा होती है। आलम आफाक में हर शय को इस कानून की पाबंदी तुअन ओ करहन करनी पड़ती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वो तकदीर के पाबंद है, यानी इन अंदाजों के पाबंद जो उनकी नकलो हरकत और नश्व नुमा के लिए मुकर्रर हैं और जिससे इन्हें किसी सूरत भी मुफर नहीं। उसके बरक्स आलम इंसानियत में यह कानून हिदायत खुदावंदी की शक्ल में मौजूद रहता है, लेकिन इंसान को यह इख्तियार हासिल होता है कि वह इस पर अमल करे या न करे। बिलफाज दीगर, अशियाए कायनात तखलीकी कानून की पाबंदी मजबूरन करती हैं जो इनके अंदर वदियत करके रख दिया गया है, लेकिन इंसान कानून खुदावंदी की पाबंदी अपने इख्तियार से करता है जो उसे अंबिया की वसातत से मिलता है। बकौल इकबाल, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। अब आगे बढ़ो। इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा खारजी कायनात से भी मुतल्लक है, यानी उसकी तबई जिंदगी या उसका निजाम बदन इन्हीं कवानीन के मुताबिक चलता है जो हैवानात की तबई जिंदगी में कार फरमा है। इसके अलावा यह भी हकीकत है कि इंसान कायनात ही की फजाओं में सुकूनत पजीर है, इसलिए कायनाती हवादस भी उसकी जिंदगी के निजाम तबई पर असरअंदाज होते रहते हैं। मसलन किसी जगह जल्जला आ जाता है तो हजारों इंसान दबकर मर जाते हैं, सैलाब आता है तो बस्तियों की बस्तियां खसो खाशाक की तरह बह जाती हैं। इंसान कायनात की इन खारजी कुवतों को मुसखर कर सकता है, लेकिन जो कुवतें हनूज उसके दामे तस्खीर से बाहर हैं वो जरूर इस पर गलबा पा लेती हैं। जिस चीज का नाम तुमने इत्तफाक रखा है उसका एक हिस्सा इन्हीं कुवतों के गलबा से मुतल्लक है। ये इत्तफाक महज इस वक्त तक इत्तफाक रहता है जब तक कायनात की इन कुवतों के असबाब अलल इंसान की निगाहों से पोशीदा रहते हैं। जब ये असबाब अलग इंसान की समझ में तो ये कुवतें मुसखर हो जाती हैं और तस्खीर शुदा कुवतें कायदे और कानून के मुताबिक कार फरमा रहती हैं। इनमें इत्तफाक का तिलिस्म खत्म हो जाता है। इत्तफाक का दूसरा हिस्सा वो है जो इंसानी दुनिया से मुतल्लक है। यही वो हिस्सा है जिसकी तरफ तुमने अपने एतराज में इशारा किया है। यानी तुम्हारा कहना यह है कि आम कायदे के मुताबिक समर मेहनत के माहिसल का नाम होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इंसानों के बेशतर समरात इनकी सही ओकावश का माहिसल नहीं होते, बल्कि ऐसी राहों से आते हैं जिन्हें सही ओकावश और जिद्दोजहद से कुछ इलाका नहीं होता। इनके नाम तुमने इत्तफाकात रखा है, लेकिन अगर तुम गौर करो सलीम,
तो यह हकीकत वाजे हो जाएगी कि यह इत्तेफाकात दरअसल हमारे गलत मुआशरी निजाम का नतीजा है। सही मुआशरी निजाम में हर नतीजा कायदे और कानून ही के मुताबिक मुरतब होता है। इसमें समरात सही उकावश ही का माहिसल करार पाते हैं। जिस तरह कायनात की मुसख़र शुदा कुवतों में इत्तफाकात का तिलिस्म बाकी नहीं रहता, इसी तरह सही मुआशरी निजाम में भी इत्तफाकात का सिम खत्म हो जाता है। वहाँ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। 99/7-8 का बेला कानून कार फरमा होता है, जिसमें अमले इंसानी का जर्रा जर्रा नतीजा खेज होता है और बेअमली कोई समर पैदा नहीं करती, ना ही गलत अमल सही नतीजा मरतब करता है। हमने अपने ऊपर गलत निजाम मुसलत कर रखा है और उसके नतायज को इत्तफाकात का नाम देकर इन्हें फजले खुदाबंदी की तरफ मंसूब कर देते हैं। जरा गौर करो सलीम, हाजम इन फजले रब्बी के ये बड़े बड़े दरख्शिंदा और मुकद्दस कुतबे क्या इस गलत मुआशरी निजाम के इत्तफाकात ही के मजहर नहीं है? अब ये बात सामने आनी चाहिए कि गलत निजाम में ये इत्तफाकात वकूप जीर किस तरह होते हैं। हम कहते हैं कि गलत निजाम तागूती निजाम होता है, इसमें इबलीस का कानून कार फरमा होता है। जरा सोचो कि इबलीस करता क्या है। वो किसी दूसरी दुनिया से दौलत या कुवत लाकर इत्तफाकात के जरिए बहम नहीं पहुंचा देता। वो करता सिर्फ यह है कि दौलत और कुवत की तकसीम ना हमवार तरीक से कर देता है, यानी कानून बकाए तवानाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह दौलत या कुवत की मिकदार तो इतनी ही रहती है, सिर्फ इसकी तकसीम ना हमवार हो जाती है। इसका नाम फसाद है। वो एक तबका से इसकी मेहनत का माहसिल छीन कर दूसरे तबका को बिला सही मेहनत दे देता है। इसी बिला सही मेहनत याफ्त का नाम इत्तेफाक है। ये मुआशी फसाद है। इसी तरह वो एक तबका की इख्तियाराती कुवतों को छीन कर दूसरे तबका को दे देता है, उसका नाम सियासी फसाद है। छीन कर क्या दे देता है? वो इस मकसद के लिए ऐसे ऐसे गलत सवरात पैदा कर देता है जिससे एक तबका अपनी कुवतों को अज खुद दूसरे तबका के हवाले करके इनके रहमो करम पर जीने का खूगर हो जाता है और अपने आप को फ्रेब देने के लिए उसका नाम मुकद्दर रख लेता है। यही वो मुआशी फसाद है जिसके मुतल्लिक इकबाल कहता है कि फरंग आईने रजा की बदानत बाई बखशत अजू अवामी सतानत ये शैतान आंचुना रोजी रसानद के यजदा इंदरा हैरान बमानद। इसी तरह इकबाल सियासी फसाद पैदा करता खुदाओं के मुतल्लिक कहता है कि उनकी कुव्वत भी अपनी नहीं होती, इसलिए उनकी हकीकत यह होती है कि ई खुदा तसजदाश कर दी खुदास्त चूं यके अंदर क्याम आई फनास्त। ये सब कुछ लाजमी नतीजा है इस गलत निजाम का जो वही से अलग हटकर कायम किया जाता है। अगर सलीम इंसान अपने मुआशरती निजाम को वही की मुतय्यन करदा बुनियादों पर तवार कर ले तो इसमें ना गलत तकसीम होती है और ना ही वह इत्तफाकात बायसे फरेब निगाह बनते हैं, जिसका नाम मुआशी दुनिया में फजल रब्बी रखकर धोखे का जाल बिछाया जाता है और सियासी दुनिया में जिले इलाही और नियाबत खुदाबंदी के सेहरे मुकद्दस से अपनी हवस खून आशामी की तस्कीन की जाती है। इन तसरीहात के बाद यह हकीकत तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि इंसान की मुआशरती दुनिया में जिन चीजों को हम इत्तेफाकात करार देकर मिन जानिब अल्लाह तसव्वुर कर लेते हैं, वो दर हकीकत हमारी मुआशरती नाहमवारियों के नताइज होते हैं। अल्लाह ताला के जाब्ते में इत्तेफाकात का कोई दखल नहीं होता। जिस खुदा के तखलीक के कानून की यह कैफियत हो कि आसमान के महीरुल उकुल कुर्रे इस कदर हैरत अंगेज जसामत और हैरानकुन रफ्तार के बावजूद एक सेकंड के हजारवें हिस्से के बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकते, क्या इसी खुदा के कानून का वो हिस्सा जो इंसानी आमाल और उनके नताइज से मुतल्लक है माज अल्लाह इस कदर सिखाशाही का कानून हो जाएगा कि जिसे चाहे बिला कायदा और कानून फरावानी रिज़्क़ अता कर दे और जिस पर चाहे रोजी के दरवाजे बंद कर दे। सुबहानअल्लाह,
तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला जहां मैं यशाओ कहता है उससे मुराद ये नहीं होती कि जिसे चाहा मौज में आकर खजाने बख्श दे और जिसे चाहा खफगी में आकर नाने शबीना तक से मोहताज कर दिया। खुदा की मशीयत उसके कानून कायनात का दूसरा नाम है और इंसानों की दुनिया में उसका कानून मशीयत इंसानों ही के हाथों से नफाज पजीर होता है। यानी जब इंसानी निज़ाम खुदा के जाब्ते के मुताबिक मुतशक्कल होगा तो उसके नतायज कानून मशीयत के मुताबिक खुशगवार मुरतब होंगे, और जब यह निज़ाम गैर खुदाई जाब्ते के मुताबिक होगा तो उसके अवाकिब कानून मशीयत के मुताबिक नाखुश आइंद होंगे। यह खुदा का कानून है। वालन तजदाल सुन्नतल्लाह तब्दीला, तुम खुदा के कानून में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। लिहाजा जो कानून अपने नतायज के एतबार से अटल और गैर मतबदल हो इसमें इतफाकत का क्या दखल, और बिला सही और मेहनत समरात हासिल करने की तवक्को कैसी। इसमें कदम कदम पर जजा बिमा कानु यामलून का कानून खुशगवारियों और बदहालियों की मीजान बनता है। किस्मत बादा बांदाज जामस्त इंजा, उसके बरक्स या इबलीसी निजाम के करिश्मे होते हैं। दानाई मी कारद आ हासले बुर्द, तुम्हारी बेताबियत तमन्ना मुझसे रह रह कर पूछती है कि कुरान का यह निजाम रबूबियत यो नोए इंसानी के लिए आया रहमत है किस सरजमीन में मुतशक्कल होगा और कब होगा। उसके मतलब मैं कई मरतबा लिख चुका हूं। इस निजाम की तश्कील के लिए अवली मरहला यह है कि इसका सही और वाज़ह तसव्वुर ज़हनों में जागज़ी हो जाए। इसलिए इंसान की खारजी दुनिया में कोई इनकलाब वकू पजीर नहीं हो सकता जब तक पहले उसकी दाखिली दुनिया में तब्दीली पैदा न हो जाए। अंदरूनी तब्दीली के बगैर हंगामे तो रूनुमा हो सकते हैं, इनकलाब जहूर में नहीं आ सकता। मुझे इस जहनी तब्दीली के आसार इस्लामी ममालक में कहीं नजर नहीं आते। मैं करीब के करीब हर इस्लामी मुल्क के अरबाब फिक्र से मिला हूं, और जिनसे मिलने का इतफाक नहीं हुआ उनके फिक्र का मुताला किया है। तुम हैरान होगे सलीम, मुझे खालिस कुरानी फिक्र कहीं दिखाई नहीं दी, और खालिस कुरानी फिक्र के बगैर कुरानी निजाम की तश्कील का तस्वर भी पैदा नहीं हो सकता। वहां या तो इस फिक्र का नाम इस्लामी रखा जाता है जो हम में हजार बरस से मुतवारिस चला आ रहा है, और जिसके मतलब मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि यहूद और नसारा और मजूसियों के तसव्वुरात हयात और नजरियात जिंदगी से इस हद तक मुतासर है कि इसमें खालिस कुरानी फिक्र कहीं दिखाई नहीं देती, और या इस्लाम को एक निजी अकीदा करार देकर अमली दुनिया में मगरब की तकलीद की जाती है। इस बाब में हम पाकिस्तानी मुसलमान फिल जुमला खुशबख्त वाके हुए हैं कि यहां खालिस कुरानी फिक्र की ताबनाक शुआएं जुफ शाह मिलती हैं। मबदाए फैज की कर्मगस्त्री से यही इकबाल पैदा हुआ जिसने इस्लामी फिक्र पर छाए हुए अजमी तसव्वुरात को नुमाया कर देने की कोशिश में अपनी उम्र सर्फ कर दी, और अपनी नवाए शौक से मिलत इस्लामिया को मजमुई हैसियत से कुरान का भूला हुआ सबक याद दिलाया। यही सरजमीन हाफिज सैयद मुहिबुल हक मरहूम मगफूर की बसीरत कुरानी की जलवागाह बनी कि जिन्होंने करीब 60-70 बरस मुसलसल कुरान की तरफ दावत दी। आज इसी सरजमीन में अल्लामा असलम जी राजपुरी मदजिल्लाह उल आला की कुरानी फिक्र बरगुबार ला रही है, जिन्होंने अपनी उम्र अजीज इसी जहाद के लिए वक्फ कर रखी है। अल्लाह ताला इन्हें तादेर सलामत रखे ताकि हम इनके तदब्बर फिल कुरान के नताइज से ज्यादा मुस्तफीद हो सकें। मेरे काशाना ये फिक्र में सलीम अगर कोई चमकती हुई किरण दिखाई देती है तो वो उन्हीं के जलाए हुए चिरागों का नूर है। उससे यह मतलब नहीं कि मैं इन हजरात की अंधी तकलीद करता हूं। अंधी तकलीद कुरान की रूह से जुर्मे अजीम है। मतलब यह है कि इन हजरात ने कुरान फहमी के सिलसिले में जिस कदर रास्ते हमवार किए इनसे मेरा सफर जिंदगी बड़ा सहल और आसान हो गया। यही उनकी कुरानी खिदमत है जिसकी वजह से मेरे दिल में उनका इस कदर एहतराम है। वैसे मैं अपनी बसीरत के मुताबिक उनकी फिक्र को भी कुरान की रोशनी में परखने की कोशिश करता हूं, और बहरहाल जो कुरानी फिक्र फजाए पाकिस्तान में नूर पाश दिखाई देती है उसकी मिसाल मुसलमानों के किसी और मुल्क में नजर नहीं आती। इसलिए मेरी तौकवात इस्लामी ममालक में से इसी सरजमीन से वाबस्ता है। यही मेरी आरजुओं की महवर और मेरी तमन्नाओं की मरकज है। मैं जानता हूं
कि इस फजा पर भी बड़े बड़े दबैज बादल छा रहे हैं, ताकि आफ्ताबे कुरानी की यह ताबिंदा शुआएं अंधेरे में जीने वाली चमगादड़ों के लिए वजह खीरगी निगाह न बन जाएं। लेकिन बाई हमा इस्लामी ममालक में अगर इस फिक्र की ताबानी के कहीं इम्कानात हैं तो वो यही सरजमीन है। यही वजह है कि मैं सलीम तुम्हें और तुम्हारी वसादत से तमाम नौजवाना ने मिल्लत को ताकीद करता रहता हूं कि इस सरजमीन की हिफाजत और इस्तेहकाम के लिए अपनी जाने तक वक्फ कर दो। यह महज इसलिए कि अगर इस्लामी ममालक में से किसी सरजमीन में कुरानी निज़ाम की तश्कील के इम्कानात जूद या बदेर हो सकते हैं तो वह यही खिताई ज़मीन है। मैं कोशिश करता हूं कि नामसायद हालात के इन झकड़ों में किसी न किसी तरह इस दिए को जलाए रखूं। वह दिया जो तेल की जगह खूने जिगर से रोशन होता है, अगर गैर कुरानी इस्लाम की अलम बरतार मुलायत की तुंदोतेज हवाओं ने इसे सरेबाम न जलने दिया तो तहदामा जलाऊंगा, और अगर इनकी यूरशें वहां तक भी पहुंच गईं तो उसे सीना के मेहराब में फानूस कल्ब में रोशन रखूंगा कि वहां तो कोई कुवत उसे बुझा नहीं सकेगी। उसके साथ साथ सलीम तुम्हारी सलामत की दुआएं मांगूंगा ताकि मरते वक्त इस ग्राम बहा अमानत को तुम्हारे सुपुर्द करके इत्मीनान की मौत मरूं। याद रखो सलीम, दुनिया में फरोग आदमियत सिर्फ कुरानी चिराग से हो सकेगा, और बस वल्लाहु अला मा नकूला शहीद। कभी कभी मुझे यह ख्याल भी आता है कि इस पैगाम खुदाबंदी की इशाअत के लिए हम अपने आप को इस्लामी ममालक में ही क्यों मुकैद रखें। यह पैगाम तमाम नौए इंसानी के लिए है, इसलिए अगर उसके लिए किसी गैर मुस्लिम मुल्क की फजा ज्यादा साजगार है तो इसे वहां क्यों ना आम किया जाए। मेरा अंदाजा यह है कि मुसलमानों की निस्बत मगरबी अकवाम के गैर मुस्लिम कुरान की आवाज को ज्यादा तवज्जो से सुनने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए कि मुसलमानों की राह में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो कुछ हजार बरस से होता चला आ रहा है उसे किस तरह छोड़ दिया जाए। गैर मुस्लिमों के सामने ये सवाल ही नहीं, वो कुरान को उसकी जाती कीमत के लिहाज से परखेंगे। और यह हकीकत है कि जिसने जब और जहां कुरान को उसकी जाती कीमत से परखा वो कुरान को कभी नहीं छोड़ सकता। इस एतबार से मुझे मगरबी अकवाम की सरजमीन कुरानी पैगाम के लिए ज्यादा साजगार मालूम होती है, क्योंकि वहां अकल है, मुल्लाइज्म की जहालत और तंग नजरी नहीं। अब रहा यह कि ऐसा कब होगा, सो इसके जवाब में आम तौर पर कह दिया जाता है कि जब तुम चाहोगे। इसलिए لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من अल्लाह का कानून इस वक्त खारजी इनकलाब लाया करता है जब कौम में दाखली इनकलाब पैदा हो जाए। यही वो दाखली इनकलाब है जिसके लिए सबसे पहले नौजवाना ने मिल्लत के कल्बो निगाह में तब्दीली पैदा करनी जरूरी है, और यह तब्दीली इसी सूरत में मुमकिन है जब उनके सामने वो कुरानी तसव्वुरात बेनकाब किए जाएं जिनसे अहद मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माऊ में वो इनकलाब पैदा हो गया था जिसकी मिसाल फिर सामने नहीं आई। मेरी जिंदगी का मकसद इन्हीं कुरानी तसव्वुरात को आम करना है। वलो करहल मुशरिकून। वस्सलाम परवेज। जून 1951।